हाँ तो ये पार्ट सेकेंड में आ जाइए, उसके बाद से मैं इंसास के बाद से शुरू कर रहा हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, फिर इस वाले वीडियो पे आइएगा। तो अब आगे शुरू करते हैं कि आपका इसमें चलिए मैगजीन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की मैगजीन होती हैं। ठीक है, पिछले वाले मोड ऑफ फायर के बारे में बात किया था, इसमें चलते हैं टाइप ऑफ मैगजीन के बारे में। इसमें जो आपका मैगजीन नॉर्मली लगा हुआ था, आप देखते हैं इस तरीके से टेढ़ा सा होता है, उसको डिटैचेबल मैगजीन बोलते हैं। और आपके कितने टाइप के अलग अलग मैगजीन होते हैं, फिक्स्ड मैगजीन होता है, डिटैचेबल मैगजीन होता है, हॉरिजेंटल होता है, कैस्केट होता है, रोटरी होता है, ड्रम होता है, सैडल ड्रम और पेन। मैं आपकी स्क्रीन पर इन सारे फोटोज़ को ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख लीजिए और आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो हैं ये कैसे कैसे टाइप के हैं। ठीक है, एक बार आपके दिमाग में थोड़ा सा रहे कि यह कौन सी मैगजीन किस तरह से दिखती है, जैसे ड्रम वाला ऐसे, पेन वाला ऐसे। ठीक है, तो आप आ जाइए, अब इसके बाद चलते हैं एम्यूनेशन की तरफ। जो आपका इंसास का बताया था, इंसास से कितने टाइप के एम्यूनेशन को फायर किया जा सकता है। देखिए एम्यूनेशन जो आपका होता है ना, चार प्रकार का होता है। तो इससे आपका ये जो एम्यूनेशन मैं लिख दिया चार प्रकार का, अब आपका इंसास से ये चारों राउंड के चारों प्रकार के एम्यूनेशन को फायर किया जा सकता है। अब इन टाइप्स को आप समझ लीजिए, जैसे बॉल राउंड होगा, जो आपके जो ये बुलेट है ना नॉर्मल वाली, इसी को हम बॉल राउंड बोलते हैं। और ट्रेसर क्या हो गया, जैसे कि किसी को ट्रेसर मतलब कि मान लीजिए दुश्मन कहीं पर है, हमें देखना है उजाला करने के लिए, स्पार्कल करने के लिए, तो हम ट्रेसर का प्रयोग करते हैं। ब्लैंक का कब प्रयोग होते हैं, जैसे कि हमारे रंग रूट अभी जो 5 सितंबर को जा रहे हैं ट्रेनिंग में, या जो भी लोग ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए या बॉल राउंड ब्लैंक का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें एम्यूनेशन ना अंदर भरा हुआ हो, कुछ एक्सीडेंट हो तो जान ना जाए, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी बचता है फालतू का, क्या हम बुलेट को बर्बाद करें। तो ब्लैंक वो हो गया। और एचडी कार्टेज यानी हाई डेंसिटी कार्टेज जो होता है, यह बहुत ही हीट वो प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करना होता है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं एचडी कार्टेज का। और इसी के साथ आपका जवाहर सिंह जी आर्मरर की वैकेंसी के पूछ रहे थे कि एक वैकेंसी है, जाए या नहीं जाए। भैया जरूर जाइए आप एक बार, कम से कम कुछ तो देख करके आएंगे कि रनिंग कैसे होता है, ताकि आपको कुछ आपका खुद का एक्सपीरियंस मिल सके। और शिवम जी बोल रहे थे कि मैं आईटीआई भी नहीं, एनसीसी भी नहीं, इस पर वीडियो बनाई। हाँ, आप भी लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और देख लीजिएगा। शिवम जी वो आकाश नाम की एक हैं, तो आपको कुछ पूछ रहे थे कि उनका भी रैली 10 अक्टूबर को है, थोड़ा उनसे जाके बात कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैट वाले ग्रुप में आकर के बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे नंबर उंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आदित्य कुशवाहा, शक्ति, वाइट डेविल, मयंक ठाकुर, विजय, ये लोग बोल रहे थे कि आपका यही आर्मरर वाले पे वीडियो बनाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि आगे आगे आपका क्या आता है, सेफ्टी प्रिकॉशन। जब आप वहाँ पे खड़े रहोगे, जाओगे तो पूछ देंगे साहब लोग कि अच्छा आप बताओ सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन से लेने चाहिए, कैसा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम हथियार को साफ कर रहे हों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप इसके पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा जानकारी लेके जाएंगे। और वेपन ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी सारा हेल्प मिल सकता है। तो प्रिकॉशन पे बात करते हैं, प्रिकॉशन आपका क्या होना चाहिए कि आपको मेक इंश्योर करना चाहिए कि उसमें कोई भी लाइव एम्यूनेशन ना हो, उसमें बुलेट ना हो, पहली बात आपकी है। तो उसको कैसे चेक करते हैं, राइफल को पकड़ते हैं, कॉक करते हैं, कॉक कैसे करते हैं, कॉक करते हैं, जब कॉक कर लेते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं कि फायर करते हैं ऊपर की तरफ करके, ताकि अगर हो उसमें लाइव राउंड तो फायर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, मैगजीन को निकालते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। और हमेशा जो है कि राइफल को और साफ़ करने का जो भी नियम है, आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि हमेशा ब्रिज ब्लॉक से, यानी कि जो आपका केस होता है ना ऊपर से स्लाइडर को, ऊपर का जो कवर होता है, कवर को निकालेंगे, उसके अंदर स्लाइडर होता है जो ट्रिगर के ऊपर का, मैं पोर्शन का बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपको आगे की तरफ बैरल की तरफ मूव करना चाहिए। साफ़ करते समय मिनिमम अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका जो क्लीनिंग रॉड है आपके बैरल से, ठीक है, ताकि उस पर गंदगी ना लग सके। और आपको क्या करना है, अवॉइड करना है कि आपका हाथ स्किन का डायरेक्ट टच हो, क्योंकि उसमें मॉइस्ट होगा तो जंग लगेगा, जिससे कि फायरिंग करते समय आपकी रुकावट आ सकती है। और लास्ट पॉइंट क्या है, बट नॉट द लीस्ट,
क्या है कि आपको बुलेट के साथ जो एम्यूनेशन होता है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसमें आपको कुछ और भी कुछ मिलाना नहीं चाहिए कि और भी तगड़ी हो जाए, ठीक है, वो ब्लास्ट कर जाए उसमें, क्योंकि हाई एक्सप्लोजिव चीज़ें भरी हुई होती है, उस पर हीट करता है और तुरंत वो ब्लास्ट होती है। तो ये आपका सेफ्टी वाला बात हो गया, सेफ्टी वाले बात हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आपका LMG के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। LMG के बारे में देखिए, LMG से आपसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पूछा है, क्योंकि LMG NCC में भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम जगह पे LMG का चलता है ट्रेनिंग, क्योंकि LMG अभी ये लोग कहाँ पे अटके हुए हैं, SLR पे। SLR इतना बेकार हथियार है, इतना बेकार, इतना घटिया, सिर्फ वजन वजन है, एकदम बेकार है, उसी पर रुके हुए। तो LMG तो बात की बात है। तो LMG चलिए इस, तो सबसे पहले SLR के बारे में बात कर ले रहे हैं। SLR क्या होता है, 7.62 mm, इसका कैलिबर बोर और बुलेट तीनों आपको समझ में आ गया, जो बताया था पहले वीडियो जाके देख लीजिएगा। नहीं यार, अगर देख करके इसको देख रहे हैं तो आपको याद है कि नहीं, नहीं याद है तो आप समझ लो कि आप क्या रिवाइज कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से भूलते रहना वहाँ पे जाके और भूल जाना उतने कैंडिडेट्स के बीच में। तो SLR क्या होता है, SLR का पूरा नाम क्या होता है, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 mm, ठीक है, 7.62 mm होता है। अब आप देखोगे कि लिखा होता है कि सेवन, आप जब नेट पे सर्च करो 7.62 mm इंटू 51 mm और आगे क्या लिख देगा, नाटू लिख देगा। भैया ये mm अपना बनाओ ना लेना, बोलते हो कि यह लिखने आता नहीं, स्पेलिंग नहीं आता है, या 5.56 mm, जैसे 5.56 mm इंटू 45 mm NATO नाटू लिखता है। तो ये जो NATO ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है आपका नाटो के हिसाब से, जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी है वो अपना मेजरमेंट चलाते हैं कि इस हिसाब से इस साइज का बुलेट हम लोग माप के देंगे, ताकि कि सबका साइज एक रहे, या पैंट आपका पैंट शर्ट नहीं ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। तो यही आपका नाटो का सिस्टम वहाँ पे यही आपका दर्शाता है, मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। और SLR 7.62 यानी सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 mm, आपका यह 7.62 mm बुलेट का साइज है, बैरल का साइज है, बोर है, यही आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, आपका लेंथ कितना इसका होता है, लेंथ SLR का कितना होता है, 45 इंच, इंच कितना होगा, 45 इंच होता है। वेट कितना होता है, 4.4 kg होता है विदाउट बुलेट, जब आप बुलेट विदाउट बुलेट यानी कि विदाउट मैगजीन, जब आप मैगजीन को ऐड कर दोगे बुलेट के साथ तो 5.1 kg हो जाता है। मैगजीन इसमें मैगजीन कितने राउंड इसमें भरा जा सकता है, तो 20 राउंड। अब देखिए मैगजीन की कैपेसिटी, दो क्वेश्चन इसमें से बनता है कि मैगजीन की आपकी कैपेसिटी कितना है, तो 20 RDS, ठीक है, 20 राउंड हो गए। और यहीं पे क्वेश्चन और बनता है इस तरीके से, नंबर ऑफ राउंड्स टू बी फिल्ड, तो इसमें ये क्या हो गया, नंबर ऑफ राउंड्स टू बी फिल्ड और मैगजीन कैपेसिटी, ये आपका इंसास में भी पूछ सकता है। इंसास का कितना मैगजीन कैपेसिटी था, कितना बताया था, हाँ नहीं पता, जाके देख के आइए वीडियो को। तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स टू बी फिल्ड का मैं सीन क्लियर करता हूँ। क्या होता है कि आपका जो मैगजीन होता है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जैसे कि इंसास की मैगजीन को, जैसे आप अपने एरिया में पुलिस को देखे होंगे तो उनका जो मैगजीन दिखता है पूरा एकदम उसमें दिखता है, तो किस चीज़ का बना होता है, ग्लास फाइबर का होता है। कौन सा हथियार रहता है इंसास प्रयोग करते हैं, तो इंसास जहाँ जहाँ होगा उसका फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है। फाइबर ग्लास में जब ड्रिल होता है ना, उस पर जब सावधान होकर जब हथियार को आगे ला के उस पर ठोकते हैं, उस पर जब लगता है हमारा ये हथेली, तो कभी कभी वो निकल भी जाता है उसमें से। तो नंबर ऑफ राउंड्स टू बी फील्ड का अर्थ क्या है कि वो जो स्प्रिंग वाला बताया ना, तो कितना भरा, कितना उसका क्षमता और कितना हम भरते हैं है नंबर ऑफ राउंड टू बी फिल्ड। तो नंबर ऑफ राउंड टू बी फिल्ड 18 होगा, हमेशा दो कम भरते हैं। दो कम क्यों भरते हैं, ताकि वो स्प्रिंग जो इस तरीके से है ना, जिसमें बुलेट आके रुकती है, ये जो दबते जाता है, यह आपका रिस्टोरिंग फोर्स आपका सही से लगे, उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम 18 राउंड ही भरते हैं। अगर 30 है तो 28 भरते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अगर पूछेंगे कितना भरा जा सकता है तो 20, कितना भरते हैं तो 18, क्लियर हो गया। अब क्लियर बोल रहा हूँ तो एकदम दिमाग से ही मत क्लियर कर दीजिएगा, हमारे साथ के एक थे पढ़ता था तो केमिस्ट्री में बोलते थे सर क्लियर हो गया, वो बोलता है यस सर एकदम क्लियर हो गया, तो पूछे एक दिन खड़ा कर दें तेज से बोला, तो बोला कि एकदम क्लियर हो गया, तो उससे पूछे नहीं बता पाया, हाँ यही क्लियर हुआ है, तो बोला सर एकदम क्लियर हो गया, तो बोला हूँ
कहें कि तो बताओ, कहा सर एकदम क्लियर हो गया, मतलब दिमाग से ही पूरा क्लियर हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, सब क्लियर हो गया। तो आप भी समझ लिए, क्लियर बोल रहा हूँ तो आपको डाउट उट क्लियर हो गया ना। इसको थोड़ा सा ये जो था पॉइंट, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेंज आपका कितना, यानी कि कारगर मारक क्षमता, कितने दूर तक आपका यह एनिमी को, पॉइंट को, टारगेट को न्यूट्रलाइज करने का आपका क्षमता रखता है। कुछ लोग बोलते बहुत पसीना होता है, देखिए आपकी वॉइस की क्वालिटी के लिए पूरा फैन सब कुछ बंद करके रखना पड़ता है, बाहर रोड जा रहा है जो कि हॉन्किंग हॉर्न दबाए जाते हैं, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए मुझे सब कुछ बंद करना पड़ता है, इसलिए पसीना होता है। कोई बात नहीं, आपको तो कंटेंट से मतलब है ना, कंटेंट आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, तगड़ा तगड़ा, आप इस पे रिलाई करिए बस, और कुछ नहीं। पसीना होगा, आज नहीं होगा तो कब होगा। इफेक्टिव रेंज जो होता है इसका 300 यार्ड होता है, यानी कि 300 यार्ड का मतलब आपका लगभग, यह 300 यार्ड्स का मतलब है कि गज, तो आपका यह लगभग 274 या 275 के लगभग आपका मीटर में यह होगा, तो आपका इफेक्टिव रेंज इतना हो गया। इंसास का कितना था भैया, इंसास का भूल गए, 400 मीटर मीटर में था, ठीक। और एके 47 का कितना होता है, तो उसका 400 मीटर नहीं होता, उसका 375 मीटर ही होता है, या 275 इसका हो गया, उसका 375 मीटर है। अब इस पे इसके बाद आ जाते हैं कि आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, किस सिस्टम पे यह ऑपरेट करता है। तो कुछ आए न आए, आपका बोल्ट एक्शन पे 0.22 एक है, यह जो है आपका बोल्ट एक्शन पे है, एकदम बेकार है। इसी से एनसीसी का ट्रेनिंग करवाते हैं, फायरिंग इसी से कराते हैं 0.22 से। अभी इसके बारे में बात करता हूँ, 0.22 डीलक्स बोर राइफल है, अभी दे ले रहा हूँ इनको भी। चलिए अभी आप आ जाइए यहाँ पे, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन गैस सिस्टम पे ऑपरेट करता है। अगर आपसे कोई भी हथियार का पूछ दें कि ये किस सिस्टम पे ऑपरेट करता है, बोल दीजिए गैस ऑपरेशन 90% तो सही हो जाएगा। इस वाले में क्या होता है ना, SLR में SLR से ज़्यादा करके आपका पार्ट्स के नाम पूछते हैं कि भैया आप बताओ SLR के पार्ट्स के नाम, स्पेसिफिक पूछते हैं। इससे 5 पार्ट्स के नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब आपको 5 पार्ट्स का नाम कौन कौन सा बताएंगे, ठीक है, आप बता दीजिए। इजेक्शन स्लॉट, जहाँ से बुलेट जब निकलती है, इजेक्शन स्लॉट हो गया, ब्रिज ब्लॉक हो गया, स्लाइडर हो गया, मैगजीन हो गया, ट्रिगर हो गया, बट हो गया, पिस्टन ग्रुप हो गया, बॉडी ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सब आप बता दीजिए। ट्रिगर गार्ड हो गया, पिस्टन ग्रुप हो गया, यही सब आपके हैं, आप बता दीजिएगा। और LMG के पार्ट्स के नाम पूछते हैं कि LMG का आप खास करके याद रख लीजिएगा। LMG के 5 बड़े पुर्जों का नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। यही आपके 5 बड़े पुर्जों के नाम है, और इसी क्रम में आपका क्या कहते हैं, LMG को खोला भी जाता है, इसलिए उसी क्रम में याद कर लीजिए कि दोनों आपका काम दे दे। यह जो है आपका पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बाइपॉड ग्रुप। बाइपॉड जो आगे आपका लगा हुआ होता है ना, या फायर करते हो LMG से, तो आगे इस तरीके से लगाया हुआ होता है ताकि आपके टारगेट जो है कि सही निशाने पे जा कर के लगे, जब उसका मजल वेलोसिटी, जब उसका रिकॉइल हो, तो रिकॉइल इसमें होता है तो आपका टारगेट बिगड़ सकता है, तो उसके लिए हम बाइपॉड ट्राइपॉड जो भी आवश्यकता होता है हम उसको लगाते हैं। आगे इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि कभी भी जब आप हथियार को हैंडल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो किस समय, किस दौरान आप अगर ट्रेनिंग में हो तो किस समय आपको डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा परखा जाता है। जब आप रेंज फायरिंग रेंज पर जाते हो, जा कर के जब तक आप आ नहीं जाते हो, पूरा सबमिट नहीं होता, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि आप हथियार को ले जा रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो। तो आपका बैरल जो है, बैरल जो आगे का निकला होता है पाइप, सिलेंड्रिकल हलो पाइप जो होता है, वो कभी ज़मीन पे आपका टच नहीं होना चाहिए। और जब भी आप फायरिंग के लिए जा रहे हो, फायर करने जा रहे हो, फायरिंग का अलग अलग टाइप के पोजीशन होते हैं, 4 होता है, उसमें से एक आपको बता देना हूँ, लेइंग पोजीशन। जब आप लेट के फायर करते हो तो आपका, जब लेट रहे हो तो घुटना को नीचे नहीं लगाना है, घुटना को नीचे नहीं लगाया जाता है, आपका यह पंजा जाता है, या हाथ का हथेली जाता है, फिर आपका नी या क्या होता है, आर्म का एल्बो जाता है, फिर दूसरे हाथ का आपका जाता है, और आपका पीछे जो पैर का टो है,
और टो है, उस टो के मदद से आपका जब आगे की बॉडी नीचे टच होती है, फिर उसके बाद आपका पूरा बॉडी नी यानी कि टच होता है। आपको नी पे घुटने पे नहीं झुकना है कभी, आप हमारा ड्रिल का सिखाइए जो भी है आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं रेंज सेफ्टी पर। देखिए वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा उसको मिलेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज फायरिंग, रेंज पर सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए, रेंज पर कुछ सेफ्टी पूछ सकते हैं कि जहां फायरिंग हो रहा है वहां पे कौन कौन सेफ्टी को रखा जाए। तो रेंज फायरिंग पार्टी को 100 मीटर दूर हथियार के रेंज के हिसाब से उनको डिप्लॉय करना है, 100 मीटर दूर पे कम से कम, जहाँ से उसका इफेक्टिव पूरा रेंज ख़त्म हो जा रहा है, सामने नहीं। जैसे कि ऐसा कोई सर्कुलर है तो यहाँ से फायरिंग हो रहा है, तो इस एरिए में किसी को नहीं रहना है। यहाँ पे संतरे, यहाँ पे संतरे, यहाँ पे संतरे, यहाँ पे संतरे, इस वाले एरिया में कोई भी नहीं रहेगा इस टाइप, जिस तरफ फायरिंग होती है। और कभी भी जब भी हथियार को खुला बांधा जाता है तो इस हिसाब से ड्रिल में लोगों को अरेंज किया, एल टाइप शेप में, एल शेप में, ऐसे 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 इस टाइप में, ताकि सामने सामने किसी के हथियार न रहे। सामने सामने हथियार होने का मतलब क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी डिसिप्लिन है, ड्रिल है, ताकि आपका अगर इस बंदे का गोली मान लो फायर हो जाता है तो ये सामने चला जाए, इसका फायर हो जाए तो उधर चला जाए, पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि इसमें सामने सामने बंदूक लेके कौन लड़ता है, राइफल लेके दुश्मन लड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है, आप समझ सकते हो यहाँ से कितना उसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। दूसरा, रेड फ्लैग पहन के, वही जो बताया हूँ कि संतरी वहाँ वहाँ पे खड़े रहेंगे, सॉरी रेड फ्लैग हर एक तरफ, चारों तरफ, लेफ्ट राइट सब तरफ उसको लगाया जाएगा हाइट वाले जगह पे, ताकि दिख सके। रेड जैकेट में पहन के संतरी जो दिखाया हूँ कि आपका संतरी वहाँ पे खड़े होने चाहिए। और एम्यूनेशन पार्टी, रेडियो वाली लाई, कम्युनिकेशन पार्टी, खाना पीने वाली पार्टी, जो भी सभी पार्टी है, कोच है, सभी लोग दुरुस्त रहें, तैयार रहें, तब फायरिंग स्टार्ट होगी। और बिगुल बजाया जाए, बिगुल बजाया जाए फायरिंग के पहले, हथियार खाली होने पर टारगेट पर जाएं और निरीक्षण करें। जो भी आपको निकालना है MPI, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, की बुलेट किसकी कितनी लगी, कितना उसका आपका MPI है, इन सबको निकालिए। फिर उसके शस्त्र का निरीक्षण भी करना जरूरी है, जब भी आप हथियार को लेकर आ रहे हैं, हथियार से हट रहे हैं, हमेशा शस्त्र का निरीक्षण यानी कि वेपन एग्जामिन करना बहुत आवश्यक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अब आपको एक शॉर्ट्स में बता दे रहा हूँ, जो लास्ट तक जुड़ेगा अब उसी को मिलेगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे कैसा कैसा एक्सपेक्टेड पूछा जाएगा, और जो भी जितने भी ट्रेड आर्मरर के हैं, जो क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछा जाएगा, आप उसके बारे में मुझे प्लीज़ बताइएगा टेलीग्राम पर, या कमेंट पे बोलिएगा कि मेरा हो गया। मैं जैसे आपको बोलूँगा कि user ID @CadetHemant, या तो आप direct @CadetHemant पे आकर मुझसे क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। तो LMG का फुल फॉर्म पूछेगा, LMG का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट मशीन गन। MMG का पूछेगा तो मीडियम मशीन गन। HMG का पूछेगा तो हैवी मशीन गन। पूछेंगे कि HMG, LMG, MMG, LMG, MMG और HMG में से लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, हैवी मशीन गन, इसमें से किसका रेंज सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हैवी मशीन गन, फिर कम, फिर उससे कम। इसका रेंज आप बता सकते हो रफली 500 मीटर्स होता है, इसका 1000 मीटर होता है, लगभग 1000 से 1200 होता है, इसका कितना होता है 1500 से 2000 मीटर, आप बोल सकते हो कि इसका रेंज इतना होता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको भी जान लीजिए, ताकि वो पूछे तो आप बता सके। और HEG का फुल फॉर्म पूछेगा तो पूछ सकते हैं, तो HEG का क्या होता है, हैंड ग्रेनेड होता है। CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल, CLOSE QUATER BATTLE, क्लोज क्वार्टर बैटल का हथियार का नाम क्या है, स्टन गन होता है, जो पुलिस लोग विधायक के पीछे लेकर के चलते हैं ना, लंबा सा नली जैसे निकला हुआ होता है, वो आपका स्टन गन ही होता है, जो कि CQB वेपन होता है, उसका 25 गज तक वो आपको हमला करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। और MPI का पूरा नाम जान लीजिए, MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, इसको भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि फायरिंग रेंज पे अभी मैं इसके पहले बता रहा था आपसे, शब्द बोल रहा था MPI, तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि गोली को फायर किया गया, यह आपका सेंटर का टारगेट, एक गोली यहाँ पर लगी, एक गोली यहाँ पर लगी, एक गोली यहाँ पर लगी, जो सबसे
नज़दीकी वाली या दूर वाले पॉइंट होता है उसको मेजर करते हैं, सबसे दूर वाले पॉइंट को ही, और इसको मेजर करके जैसे 2 सेंटीमीटर हुआ तो यही आपका MPI निकालते हैं कि 2 सेंटीमीटर हो गया। और OFB का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो OFB आपसे पिछले वीडियो में पहले पार्ट में ही बता दिया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबी लंबी वीडियो हो गई दोनों, अब आपको समझाना था। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।